हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीपीआई के बारे में, लेकिन फोन के लिए नहीं, पीसी के लिए। क्योंकि फोन के लिए तो हजारों वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर डीपीआई के बारे में, बट पीसी के लिए डीपीआई के बारे में बहुत ही कम वीडियोस है, और जो भी वीडियोस है उसमें ऑलमोस्ट गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी कुछ बंदे बोलेंगे फोन में और पीसी में क्या डिफरेंस है डीपीआई को लेके। जैसे फोन में डीपीआई बढ़ाते तो मूवमेंट बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो पीसी में भी ऐसा ही होगा, बट नहीं, पीसी में इससे उल्टा होता है। शौक हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्लू स्टैक खुद कौन सी डीपीआई रेकमेंड करता है फ्री फायर खेलने के लिए, और मैं खुद कौन सी डीपीआई यूज करता हूँ, और आपको कौन सी डीपीआई यूज करनी चाहिए, ये सब का आंसर मैं दूंगा। और आप अगर एक फोन प्लेयर हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या फोन में हम लोग जैसे डीपीआई बढ़ाते हैं और मूवमेंट बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो क्या पीसी में भी सेम टू सेम होता है यहाँ पर? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल उल्टा होगा। आप जितनी कम डीपीआई करोगे ना, उतना ही पीसी में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और इस बात का प्रूफ देने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ ब्लू स्टैक इम्यूलेटर पे। तो हम आ गए यहाँ पे ब्लू स्टैक इम्यूलेटर पे, ब्लू स्टैक 5 पे। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फॉर्मूला हर एक इम्यूलेटर पे वर्क करेगा, मतलब मेमो प्ले, स्मार्ट गागा, ब्लू स्टैक, आप जिस पे भी खेलते हो सब पे वर्क करेगा। तो ब्लू स्टैक ने यहाँ पे नया फीचर निकाला है डीपीआई के लिए। 5.2 के वर्जन के बाद हर एक वर्जन में ये फैसिलिटी होगी कि आप कस्टम डीपीआई सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कस्टम में 10 से लेके 999, मतलब ऑलमोस्ट 1000 तक डीपीआई सेट कर सकते हो। तो चलो एक हाई डीपीआई यहाँ पे सेट करते हैं, चलो 800 सेट करते हैं, ठीक है। जस्ट आपको बताने के लिए कि हाई डीपीआई मतलब इसमें लो डीपीआई काउंट हो। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और रिस्टार्ट भी कर दिया इम्यूलेटर। तो डीपीआई हाई है कि लो है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग विजुअल टैप्स का हेल्प लेंगे। विजुअल टैप्स मतलब वो जो सर्कल बन रहा है, हम लोग कहाँ पे भी टैप करते हैं तो एक सर्कल बन के आता है वाइट कलर वाला, उसको बोलते हैं विजुअल टैप्स। तो इस सर्कल की साइज देखना है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसकी साइज कितनी बड़ी है। और ये याद रखना, जब मैं डीपीआई लो करूँगा तो इसकी साइज कितनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। आप अपने फ़ोन में भी ये चीज़ ट्राई करके देखना, विजुअल टैप्स ऑन कर देना और उसके बाद डीपीआई बढ़ा देना, जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ा देना, तो आपकी जो सर्कल का साइज़ है विजुअल टैप्स वाला वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और काफ़ी सारे बंदों को तो भाई ये इम्यूलेटर में ऑन करना ही नहीं आता। बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई ये विजुअल टैप्स ऑन कैसे करते हैं इम्यूलेटर पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटी सी सेटिंग है, एक बटन ही ऑन करना है। सबसे पहले सेटिंग्स पे जाओ, और सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस में जाओ, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो विजुअल फीडबैक, बस उसको ऑन कर दो और ख़त्म हो गया आपका विजुअल टैप्स चालू। डीपीआई जानने के लिए एक और मेथड है, जो कि है नोटिफिकेशन बार। आपको पता होगा कि आप जब मोबाइल में डीपीआई बढ़ाते हो तो आपका नोटिफिकेशन बार छोटा हो जाता है और उसके फॉन्ट भी छोटे हो जाते हैं। तो सेम चीज़ इम्यूलेटर में भी होती है। आप इसमें डीपीआई देख लो 800 पे कितनी बड़ी नोटिफिकेशन बार है यहाँ पर। अभी जब मैं डीपीआई कम करूँगा तब आप इसकी साइज़ देखना, ठीक है। तो चलो जाते हैं और डीपीआई को कम करते हैं और 160 पे सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्यूलेटर रिस्टार्ट हो चुका है, और पहले हम देखते हैं विजुअल टैप्स की साइज़ और उसके बाद हम नोटिफिकेशन वाली साइज़ देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो भाई सर्कल कितना छोटा हो गया, मतलब भाई कंपैरिजन ही नहीं है, 800 और 160 डीपीआई में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे विजुअल टैप्स की साइज़ भाई अब ऑलमोस्ट दिख भी नहीं रहा विजुअल टैप्स, और उसमें कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे सर्कल दिख रहा था 800 डीपीआई पे। तो चलो ये तो हो गई विजुअल टैप्स की बात। अब नोटिफिकेशन बार चेक करते हैं, भाई उसमें इससे भी बड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन बार ठीक से दिख भी नहीं रहा, मतलब इतना छोटा हो गया, इतनी डीपीआई बढ़ चुकी है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन बार देख भी नहीं सकते हम लोग ठीक से, इतने ज़्यादा कम फॉन्ट हो चुके हैं। मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, फ़ोन में भी सेम टू सेम चीज़ होती है तो इस इम्यूलेटर में भी सेम टू सेम चीज़ होगी। जब डीपीआई बढ़ाओगे तब सारी चीज़ें छोटी हो जाएगी, सब फॉन्ट, नोटिफिकेशन बार, विजुअल टैब्स, सबके साइज़ छोटे हो जाएंगे। तो आई होप ये छोटे से एक्सपेरिमेंट में आपको पता चल गया होगा कि फ़ोन में और पीसी में डीपीआई बहुत ही अलग तरह वर्क करती है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट वर्क करती है। तो अब बात करते हैं ब्लू स्टैक खुद कौन सी डीपीआई रेकमेंड करता है फ्री फायर खेलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए ब्लू स्टैक के ऑफिशियल फॉरम पे। तो अगर हम इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन तक स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो यहाँ पे सुमित ने पूछा है विच इज़ द बेस्ट डीपीआई फॉर फ्री फायर स्मूथ गेम प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल ब्लू स्टैक मॉड ने ये दिया, 240 is the default and recommended one. You can try this and check if it works fine. इसका मतलब है ब्लू स्टैक भी 240 डीपीआई ही रेकमेंड करता है फ्री फायर खेलने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि ब्लू स्टैक रेकमेंड करता है 240 डीपीआई, तो क्या मैं भी 240 डीपीआई पे खेलता हूँ? तो इसका आंसर है जी नहीं, मैं 160 डीपीआई पे खेलता हूँ।
और इसका रीजन ये है कि मैंने पहले ही बताया था, जितना आप DPI कम रखोगे इम्यूलेटर पे उतनी ही आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और मैं हाई सेंसिटिविटी में खेलना पसंद करता हूँ, तो मैंने 160 DPI रखी है। ऑफ कोर्स आप इससे भी लो कर सकते हो, आप 100 भी कर सकते हो, 80, 50 कुछ भी कर सकते हो, बट मेरी 160 DPI में अच्छा हेडशॉट लग जाते हैं, हाथ सेट हो गया, तो मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि कैसे वर्क करती है DPI PC पर, तो आप अपने हिसाब से DPI सेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सी DPI में आपके सबसे ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो के थ्रू, तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है, तो मैं बेस्ट DPI फॉर माउस बनाऊंगा कि माउस में सबसे बेस्ट DPI कौन सी होती है और कौन सी रखनी चाहिए, और माउस में DPI कैसे वर्क करता है, क्या इम्यूलेटर के तरीके से ही वर्क करता है या फिर कोई डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे अच्छा एंगेजमेंट आएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।